ब्रीथिंग, इसमें हमने पढ़ा कि जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर है जो हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है वो है मेडुला ओब्लॉन्गेटा, ठीक है। और ब्रीथिंग जो है इनवॉलंटरी भी है और वॉलंटरी भी है। इनवॉलंटरी मीन अप टू अ लिमिट हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलंटरी ऐसा है कि हम इसे कुछ टाइम बाद फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर हमने कहा कि जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है वो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट होता है, लेकिन एक्सरसाइज के टाइम पर हमारे जो सेल रेस्पिरेशन वो ज़्यादा हो जाता है, उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है हमारे ब्लड के अंदर। और हमने कहा कि जब ब्लड के अंदर CO2 कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो इसको सेंसिटिव होता है, तो एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे इंटरकोस्टल मसल हमारे रिब्स को मैसेज सेंड करता है कि आप अपना काम तेज करें ताकि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है हमारे बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर वो एक्सहेल हो जाए। तो ये था हमारा टॉपिक कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग या रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन।